समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को सुना। वहीं निकाय चुनाव को लेकर के शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव के लिए जैसे ही तारीख डिक्लेयर होगी सपा तैयार है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस तरह का नारा बहुजन समाजवादी पार्टी का दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 3 बार सरकार बनाई है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, इस तरीके के नारे हमेशा बहुजन पार्टी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के 3 बार सरकार बनाई है और आज भी भारतीय जनता पार्टी में बहुजन पार्टी के सबसे ज़्यादा नेता हैं। और इसके साथ साथ और भी तो नारे लगते थे जी, याद है? बताओ कौन सा नारा था? तिलक, तराजू और तलवार, कौन नारे लगाता था है? और यही लोग तो लगाते थे। और भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय के वायरल वीडियो के बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि महिलाओं के बारे में किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, महिलाओं के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला है कि पहला आतंकवादी नासराम गोडसे है, बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा नाथूराम गोडसे को लेकर के दिया बयान, उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि गांधी जी के हत्यारे कौन थे। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब पूरा प्रदेश जानता है ओम प्रकाश राजभर के बारे में है? इनका कोई ठिकाना है कब कहाँ चले जाएं, किससे मिल जाएं हैं? और उनके बातों से तो यही लग रहा है कि खुद ही ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के कहने ही से तो सब बातें कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। तो पूरा देश जानता है इस बारे में, पूरा देश जानता है गांधी जी के हत्यारे कौन थे। तो ये थी इटावा से हमारे संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जर्नल के साथ।